आज की रेसिपी देखने में जितनी कलरफुल है ना, उतनी ही खाने में मजेदार। इसको बनाने के लिए घंटों गैस पे मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, ये आसानी से झटपट बन जाती है ये रेसिपी। और कुछ ही चीज़ों की जरूरत पड़ती है इस रेसिपी को बनाने के लिए, और बहुत ही टेस्टी बनती है ये रेसिपी, क्योंकि देखने में भी सुंदर है और खाने में भी उतनी ही टेस्टी। चलिए तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अब मैं लूँगी एक कढ़ाई और उसमें डालूँगी ये 5 चम्मच दूध। ये नॉर्मल टेम्परेचर का मैंने दूध लिया है। अब इसमें डालूँगी मैं 3 चम्मच चीनी। ये मैंने 3 चम्मच इसमें चीनी ऐड कर दी है। अब इसमें कुछ नहीं, 2 चम्मच घी डाल दूंगी और फिर कुछ नहीं करना है, इन सबको अच्छे से करेंगे मिक्स। और तब तक मिक्स करेंगे जब तक शक्कर इसमें अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। लीजिए अच्छे से देखिए, चीनी इसमें मेल्ट हो गई है। अब कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें डालना है ये मिल्क पाउडर। अब मैं इसमें एकदम से मिल्क पाउडर नहीं डालूंगी, धीरे धीरे करके मिल्क पाउडर ऐड करूंगी। पहले थोड़ा डालूंगी, फिर उसको अच्छे से मिक्स करूंगी, फिर थोड़ा सा और डालूंगी। यहाँ पर मैं 1.5 कटोरी मिल्क पाउडर मैं ले रही हूँ। इसमें धीरे धीरे से करके डालिएगा जिससे इसमें गुठली ना पड़े। ये वाली मिठाई ना बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाली ये मिठाई है। बस इसको धीरे धीरे करके ऐसे ही मिक्स करते जाएंगे। लीजिए देखिए, हमारा डो अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसको चाकू की हेल्प से 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। अब मैं यहां लूंगी एक प्लेट, आधे भाग को इस प्लेट में रखूंगी और आधे भाग को कढ़ाई में ही। अब 1 चम्मच ये रेड कलर इसमें डाल दूंगी और अच्छे से इसमें मिक्स करूंगी। आपको जो भी कलर पसंद हो आप वो कलर का कलर ले लीजिएगा। इसको लो, हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको रखेंगे साइड में। अब मैं प्लेट वाले भाग को अच्छे से मिक्स कर लूंगी और एक गोल शेप इसको दे दूंगी। आप चाहे तो इसको पेड़े का शेप दीजिए, मैं यहाँ पर गोल शेप दे रही हूँ इस तरीके का। ऐसे ही मैं सारे बना के तैयार कर लूँगी। लीजिए तो तैयार है हमारे राउंड शेप के ये गोल लड्डू। और अब ये दूसरा वाला लिया, इसको ऐसे चपटा किया और ये गोल वाले को बाइट को इसमें अंदर रख देंगे और इस तरीके से किनारे किनारे से ले जाते हुए इसको फोल्ड कर लेंगे और इसको भी एक राउंड शेप हम दे देंगे। लीजिए तैयार है हमारी ये मिठाई। इस तरीके से मैं सारे ही बनाकर तैयार कर लूंगी। लीजिए तो बिल्कुल तैयार है हमारी ये मिठाई। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, कितनी ही कलरफुल है और कितनी जल्दी बनने वाली ये मिठाई है। आप इसको झटपट बना लेंगे। बस अब मैं कुछ नहीं, इसको एक बार आपको काट कर भी दिखाऊंगी कि अंदर से वाइट कलर का पोर्शन कितना ही अच्छा लगता है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, अंदर से वाइट वाइट और बाहर से रेड रेड, कितना मस्त लग रहा है कॉम्बिनेशन। आप भी इसको किसी फेस्टिवल पे या नॉर्मल डे पे आप इसको जरूर बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको ये स्वीट कैसी लगी और आपके घर में सबको कितनी पसंद आई। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।